एक मेरे नहीं गोडे दुखे थे जी, पैर पर सोई आ जाए थी। अच्छा, उस तक भी आराम है जी, मैं तो गोडे भी बाजी चालू हूँ जी मैं तो। अच्छा, पूछा सही बताओ। हाँ, सही बताओ कि मैं झूठ के डले तो नहीं ना, सही बताओ तो की फायदा है मेरा। बिल्कुल, लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भानु भाइयों मंगत रहे की राम राम नमस्ते जय हिंद। भानु भाइयों फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम में, आज मंगलवार का दिन है और यह भीड़ देखने लग रही है, पूछा लेंगी है। यहाँ पर सुबह ही नंबर लगने शुरू हो जाए भाई, नंबर का एक टोकन दिया जाए और कोई फीस या कोई चार्ज नहीं रह जाता उस टोकन का। तो मैं सभी से बात करवाऊँगा आप लोगों की कि कोई दो बार तीन बार आए हैं, किसी का कोई काम बनाया है क्या, पूछा सही देखते हैं और जो पूछा देख रहे हैं महाराज जी वहाँ से पूछा दिखा के आओगे तो भी उन तभी पूछांगे कि भाई सही बताओ है या गलत बताओ है, तभी बातें आप लोगों की करवाऊँगा। और मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, काफ़ी मंगलवार का दिन है, सुबह सुबह का समय है अभी जी। आप कहाँ से हैं जी? मैं अमरगढ़ से भाई। अमरगढ़ कहाँ पे है ये? नरवाना के पास में। नरवाना के पास? हाँ जी। पहली बार आए हो आप यहाँ? ना जी, मैं तो दो तीन महीने हो गया दिन लगातार आ रही। क्या समस्या थी? मेरा तो जी एक लड़के की समस्या थी, बवासीर में बहुत दुखी हो रहा था। अच्छा। उसका आराम है जी? आराम हो गया। हाँ जी। कितने साल तक दुखी हो रहा था वो? हो गए जी, तीन साल हो गए थे जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर साथ आता है क्या वो? नहीं जी। अच्छा। बस उसका फोटो पर झाड़ा लगवाया था जी। पहला नंबर है? पहली बार शनिवार को झाड़ा लगवाना आए थे? हाँ जी, पहली बार शनिवार को आई थी जी। अच्छा। एक मेरे नहीं गोडे दुखे थे जी, पैर पर सोई आ जाए थी। अच्छा। उस तक भी आराम है जी, मैं तो गोडे भी बाजी चालू हूँ जी, मैं तो सोई आ रहा करती। हाँ, पहला सोई आंदी जी, पैर पर चल लिया कौन जावा था, ये उठती बैठती तो गोडे में दर्द हुआ था जी। अच्छा। हाँ जी, तो सही हूँ। तीसरी बार आई आज? ना जी, तीन महीने के मंत्र लगातार। अच्छा, आ जाओ हुई वैसे थी तो ठीक होने के बाद में आते हैं। हाँ जी, आंदी रहो। अच्छा, हमने बहुत बढ़िया। तो मेरी समस्या है जी, और मेरी समस्या लोन लग रही है जी। लोन लग रही है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, और मेन समस्या और भी से कोई? हाँ, और भी है जी। वह भी है लोन लग रही है? वह भी लोन। तो आपने तो बाबा खूब तो प्रसन्न हो रहे हैं आप? मैं तो आज दौड़ का कहूँ जी, गुरु जी यो शनिदेव जी मेरे पास तो खूब रज्जू है जी। अच्छा। हाँ जी, सच्चे मन से आया हूँ जी मैं। सच्चे मन से आते हैं तो उन्हीं के काम होते हैं भाई। देखो, ट्राई लेना हो कहीं तो मेरे भर के चाल जाया हो बाबा, उधर देखा दिया किसा। सच्चा मन तो आ रही है जी लेना हो उनके काम को नहीं होया करे। ये तो भगवान का घर है भाई, इसके दीड़ दुख सर इसके सामने माफी मांगा है जब ठीक होया करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई, बहन जी के लड़के की बता रही है कि काफी तीन चार साल से बवासीर में इतना दुखी था, यहाँ झाड़ा लगाने से ठीक होगी, और इनके पैरों में इतना दर्द रहता था, सोई आ जाती थी, अब लुका बाजी चालू हूँ। और बंद रहे जी? ताक गई बंद रहे? हाँ जी। अच्छा। गुरु जी ने दिया था जी। अच्छा, तो रेडी होगी जमा? हाँ जी, सही चल रहा। आप कहाँ से हैं जी? मैं साउथ रोड कला से, इसार कैंट से। इसार कैंट से जी। आर्मी में है? नहीं, मैं सिविल से। अच्छा अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? मैं पिछले डेढ़ साल से आ रहा हूँ। डेढ़ साल से? अच्छा, तो डेढ़ साल से क्यों आ रहे हैं भाई? आपने के प्राप्त करे बाबा जी ने या शनिदेव महाराज ने कुछ आपको आशीर्वाद दिया बख्शा कुछ? मेरे पहले चेस्ट में दर्द होता था सर। अच्छा। चेस्ट में दर्द वो करीब एक साल से होता था। अच्छा। यहाँ आने के बाद मेरे को बहुत सुख मिला है और वो पेन भी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और बाबा की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ की मौज है। और आज मैं अपनी मन खुशी से हर बार आता हूँ, हर महीने में कभी एक चक्कर दो चक्कर लगता है। छाती का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया? बिल्कुल दर्द ठीक हो गया। कितनी साल तक था ये दर्द? ये पिछले एक साल से था, अब तो मेरे बहुत ठीक हो गया। अच्छा। करीब ये छः महीने पहले ही ठीक हो गया था मेरे। छः महीने पहले ठीक हो गया? आप तो वैसे खुशी से आते हैं? मैं अपनी खुशी से आता हूँ, हर महीने में एक चक्कर लगता रहता है मेरा। आपकी पत्नी है के? ये मेरे ठीक कब है गई? ये इवनिंग को गंदा है, मेरी छाती दुख है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। ताई जी आप कहाँ से हैं? सरसे से। पहली बार आई है? ना, दूसरी। दूसरी बार? अच्छा, पहली बार के झाड़ा लुवाना आई थी, पूछा करवाना आई थी? पूछा कराना आई थी। करी थी सही? सही करी थी। तो आज फिर के कमीरे की दूसर करवाना की? आज गुड़िया खतर आई। गुड़िया खतर? हाँ। अच्छा, पूछा मैं क्यों? बताया सही बताया सारी चीज़? हाँ सही बताया। सही बताया? हाँ सही बताया। तो क्यों फर्क भी जगे? हाँ की फर्क है, है? हाँ की फर्क है। मैं तो पूछा ही पूछूं, क्यों पूछा दिखाना रहे? पूछा सही बताओ। हाँ सही बताओ। कि मैं झूठ के डले तो नहीं फेंके ना? सही बताओ तो की फायदा है मेरा? बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं गुड़िया खातर ही आई हूँ अभी। अच्छा, आज गुड़िया खातर आई? हाँ। सही बताई जितने दूसरे आई है, नहीं तो कौन आओ था। हाँ जी, यह बात भी सही है तेरी। बिल्कुल। अच्छा। आप कहाँ से भाई? हिसार से जी। अच्छा, आपके क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है जी। कोई समस्या को नहीं, तो फिर क्यों आवा है? झाड़ा लगवाना आया था जी मैं तो। क्या कहा? कुछ ना जी, वैसे ही कुछ ना जी, वैसे झाड़ा वो झाड़ा आगे मतलब बता कि तकलीफ हो जी दे लो आज आगे तो कर्म बनेंगे जी, कैसी बात करो। अच्छा, वैसे भक्ति भाव से आते हैं आप?
तो आप भक्ति भाव से जुड़े हुए वैसे बिल्कुल से? हाँ, चार पाँच साल हो गए जी। चार पाँच साल हो गए। हाँ जी। अच्छा, तो मनोकामना जो मांगे वो पूरी हो गई? हो रही है जी, पूरी सारी। अच्छा, सारी सारी पूरी हो रही है जी। चलो बहुत बढ़िया। तम भाई कड़क सोताई आमी सिरसाणा सिरसाणा। अच्छा, और छी सिरसाणा। बली भराई है आमी शनिवार ने तो झाड़ा के लाके गए। शनिवार ने झाड़ा लगवाया? हाँ, आज पहली बार। आज पूछा करवाना आई? पहली बार आई। झाड़ा क्या लगवाया था? झाड़ा सारा दर्द रहा है। सारा दर्द रहा? 10 साल की फर्क पड़ गया। मैं को नहीं आई थी तो? ये आई थी इसकी टाइम में ही बकाए आई सच। फर्क होया भाई झाड़ा के? ठीक है जी। तो ठीक है सर। तेरे की तकलीफ थी के? मेरे भी आई आई। अच्छा भाई, बकाए मैं आ तो वह एक बार झाड़ में ठीक होगी, दूसरे को ले आए उसने ना, अगली बार फिर आ जाएगी। शनिवार ने आ जाएगी वह? शनिवार ने उसका छोरे को मारा ही दर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। चलो पूछा दिखाओ आप। नमस्ते जी। नमस्ते, आप कहाँ से? मिंगनी खेड़ा से, हिसार के पास। हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? घर के बारे में पूछना है जी। पूछना? पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार आई। पहले कब आई थी? अभी आई थी शनिवार को। तो हाँ, भगत जी ने नारियल दिया था और आज बुलाई है। हाँ जी, हाँ आ जाइए। और पूछा ही रपी ले रही, खाली ले रही बटवा मेरी डाले। कहाँ से? हिसार से। हिसार से। अच्छा, आपका क्या समस्या है? लड़के के लिए आई शादी के लिए। अच्छा। कोई नहीं हो रही। अच्छा, पहली बार ही आए हो ना? साल डेढ़ साल से नौकरी चले गई थी लड़की की। अच्छा। फिर मिल भी गई यहाँ से। अच्छा, पहले नौकरी चली गई थी लड़की की, यहाँ अर्जी लगाई तो नौकरी मिल गई, उसकी शादी के लिए आओ। हाँ जी, शादी की अर्जी लगा रखी है। हाँ जी। के अफसर अफसर देखा है कि नहीं? अगली डिप्टी कलेक्टर है तो अफसर ही देखना पड़ेगा। डिप्टी कलेक्टर है लड़की? हाँ जी भाई। बता भाई, डीसी से है लड़की? डीसी से है। और डीसी की समस्या थी, डीसी की हल होगी? हाँ जी, हाँ जी। तो भाई डीसी ने तो कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देखना पड़ेगा। कोई जरूरी थोड़ा है, मुख्यमंत्री चाहिए हमें। चलो भगवान करे भाई डीसी ने, डीसी तो कम से कम मिले, हिसाब बराबर का अधिकारी तो मिले। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छे भाई, बहुत भगवान करे जल्दी मिले आपने भी। तो यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया। कहाँ से आप? हिसार से। हिसार से ही। आप कहाँ से हैं जी? मोटसरा से। मोटसरा से। आपके क्या तकलीफ से है? मैं माँ खतरा हूँ, पहली बार। माँ खतर? माँ का क्या तकलीफ से बता दे? बोलो। माँ का तकलीफ तो बस बेरोई को तकलीफ से। हाँ, अल्ट्रासाउंड करा लिया और करा लिया, सारे दिखा लिए, कोई बीमारी को नहीं आवा। और झाड़ा जुड़ा भी लुआ था के? ना, पहली बार। पहली बार आई। पूछा दिखाना, पूछ बाबन को क्या समस्या बताओगा। राजस्थान से पहली बार आए हो? पहली बार ही आया। समस्या लेके आए? पेपर वास्ते आए बाबा का। अच्छा 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 अच्छा, नौकरी नागरी की अर्जी लगाना खतरा नहीं? इटली के पेपर लगाए, 7 साल हो गए भटकते हुए। लाग गया भी जानू, समझ ले भाई, सच्चा मन तो लगा के दरबार में। मैं सच्चे मन से लगाओ करेगा बोली, इसे का काम से अपने बस की बात सही को नहीं। वैसे 7-8 महीने से। 7-8 बार आ लिए, क्यों आ लिए, के कारण था? थोड़ा घरेलू समस्याएं थी, हल हुई होगी? हाँ नहीं, हल हुई। हाँ, इतनी बार आ लिया आदमी तो समस्या हल हो जब तो पूछा नहीं। 7-8 दफा नहीं, 12-14 दफा आ गया। गर्मी करके आ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, कितनी गर्मी पड़ रही। कहाँ से आप? दिल्ली। दिल्ली से आते हैं? विकासपुरी। विकासपुरी से। चलो, तो आपकी समस्याएं हल होगी अभी, और पूछा दिखाने के लिए? समस्याएं तो घर में इतनी होती है, चलती रहती है। तो पूछा के लिए आए, पीछे कहीं भी थी बाबा जी ने, गर्मी इतनी पड़ रही थी, आना बड़ा मुश्किल हो रहा था। बाबा के आज तो आने लग रहा। दवाई तो लेता रही? दवाई लेता रहूं। मैं नहीं कहता कि दवाई छोड़ी, दवाई जरूर लेते रहे आप। अपनी दवाई को आस्था अलग चीज है, रोग का निदान अलग चीज है, दवाई अलग चीज है, इसलिए दवाई भी लेते रहे। टीवी की जो है वो दवाई चलाते रहे। धन्यवाद। आप जी कहाँ से? भिवानी से। भिवानी से। कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, तो भाई पहले भी एक बार मिले हैं आप? कई बार मिल लिया। तो यहाँ कितनी बार आ चुके हैं आप? यहाँ मैं मार्च माना शुरू किया। मार्च माना शुरू। तो कोई समस्या हल हुई है आपकी? क्लियर तो है नहीं, बाकी है आराम से। 50-40% न्यूज लग गए। 50-40 नहीं तो 10-15% आराम तो है, रिलीफ मिल जाती है। रिलीफ मिल जाती है, बहुत बढ़िया। चलो करो उपाय जो बताते हैं करते रहो। लंबी समस्या है आपकी, लंबी समस्या तो भाई टाइम को लागेगा, लंबी कटती आनी। आप जी कहाँ से हो? सुंडावासी। दोनों ही। आपकी किस समस्या है? मेरी समस्या है दर्द हो रही है मेरे सारा शरीर में। सारा शरीर में? पूछा दिखाना है आज तो। हाँ, पहले झाड़ा जुड़ा लगवाई गई? झाड़ा लगवा गई। झाड़ा फर्क पड़ा से को नहीं? क्यों तला है? क्यों है? अच्छा। 20 मिनट।
चलन जोगी हो जाए झड़ते और के अच्छा चलो बहुत बढ़िया आज पूछा दिखा ले पूछा दिखाऊंगा आज हां भाई समस्या कैसे मेरी वा बताओ पहले तो है चलो बहुत बढ़िया तो देखिए हमारे पास बैठे हैं महंत जगदीप जी शनि शक्ति धाम के संचालक और महंत इनसे भी दो बातें कर लेते हैं तो नमस्कार सर बताएं आप किस किस दिन यहाँ पर आ सकते हैं क्या लाना होता है क्या चाहिए हर चीज़ के बारे में आप बताएं सर मेरे दर्शकों को देखिए शनि शक्ति धाम शीशवाल में चार दिन दरबार लगाया जाता है मंगलवार को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को शनिवार को रविवार को किसी ने अपने दरबार के बारे में पूछना हो तो वह हर मंगलवार को सुबह 9 से 3 हर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को 9 से 3 हर रविवार को सुबह 9 से 3 पुच्छा के लिए आ सकता है यानी कि 3 दिन पुच्छा करी जाती है मंगलवार गुरुवार और रविवार को शनिवार को दिन सिर्फ और सिर्फ जाड़ा लगाया जाता है जो सुबह 9 से लेकर शाम को 5 या 6 बजे तक लगता है जो भी शनि धाम में आता है उसके लिए अर्जी अरदास का नियम है जो विशेष अर्जी अरदास लगाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन लगती है पूर्णिमा कितनी तारीख की पड़ेगी अब 19 तारीख की पूर्णिमा है आने वाली 19 अगस्त 2024 को पूर्णिमा है रक्षाबंधन के दिन है पूर्णिमा कोई भी चाहता है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो तो उसके दिन अर्जी अरदास का नियम है तो पूर्णिमा के दिन आइए अपने मनोरथ सिद्ध करवाइए धन्यवाद शुक्रिया बता दे तो बताइए ये बाबा जी ने क्या क्या मतलब कुछ सही बता मेरे तकलीफ ये नसा भी लोग हो रही है मेरे शुगर है बीपी है शुगर में थोड़ा आराम है मेरे फिर भी मैं ऐसा मेरे घर में मेरी दुकान मेरे बच्चा का थोड़ा धंधा चल जाएगा प्रोग्राम करता है बच्चा लोग डांस वगैरह लड़कियां डांस करती है सपेरा डांस करती है क्या नाम है जी आपका पूजा अच्छा आप भी कलाकार हैं हाँ कलाकार है डांस करते हैं राजस्थान अच्छा ये जागरण में करते हैं या वैसे फंक्शनों में करते हैं शादी के फंक्शन अपनी खुद की पार्टी है हाँ खुद का ग्रुप है ना मीना सपेरा के नाम से राजगढ़ में जयपुर में मीना सपेरा के नाम से वो मीना सपेरा के नाम से खोलते हैं तो प्रोग्राम आ जाते हैं मीना सपेरा के नाम से तो देखिए मैं आप लोगों को शनि शक्ति धाम शीशवाल का रास्ता बता देता हूँ हर वीडियो में बताता हूँ वीडियो को पूरी देखा करो आप और फ़ोन पे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं इतना सरल और आसान तरीके से बताता हूँ आप भारत के चाहे किसी भी कोने से आएँ हरियाणा का हिसार जिला हिसार शहर हिसार में आएँ ट्रेन भी आती हैं बसें आती हैं बहुत से व्हीकल आते हैं यहाँ पर हर जगह से आती हैं ट्रेनें भी हिसार बस स्टैंड पर 12 नंबर बूथ पर बस लगती है बगड़ा भादरा वाली 12 नंबर बूथ पे जाएं उस बस में बैठें कावरेल की टिकट लें कावरेल गांव है वहां से मात्र 500 मीटर या 1 किलोमीटर मान लीजिए थोड़ी सी दूर बिल्कुल गांव से चलते इसी सवाड़ा रोड के ऊपर शनि शक्ति धाम है किसी से भी आप बस स्टैंड पे पूछ सकते हैं यहां पर शनिवार मंगलवार वीरवार और एतवार 4 दिन आ सकते हैं 3 दिन यहाँ पर पूछा देखी जाती है मंगलवार वीरवार और एतवार शनिवार को सिर्फ झाड़ा लगता हर पूर्णिमा को विशाल भंडारा होता है और अर्जी विशेष अर्जी लगती है हवन यज्ञ होता है उस दिन की बहुत महत्ता है तो आप किसी भी संकट से किसी समस्या से ग्रसित हैं या फिर नौकरी वगैरह जो भी किसी तरह का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो भाई बाबा के दर्शन यहाँ पर शनि शक्ति धाम जी में शनि महाराज विराजमान है साक्षात बालाजी महाराज विराजमान है सभी देवताओं के बड़े बड़े प्रतिमाएँ यहाँ पर लगी हैं और सच्चे दरबार हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं आप किसी भी दिन देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा और वीडियो को शेयर कर दें जय हिंद नमस्कार